you don't have any tools to communicate with people, to interact with them. How does life then look like? जो hearing impaired audience है वो normal लोगों के साथ बातचीत नहीं करती है, वो उनसे अलग ही रहती है. मैं उनके बीच का जो गैप है वो ख़त्म करना चाहता हूँ, कि कोई डिफ्रेंशिएशन ना रहे कि ये पर्सन को कुछ कम सुनाई देता है, सोसाइटी को बेटर बना सकें. The ideas of communication and communities have always fascinated me. The power that communication has in making others understand not just what you mean but also what you want. It is inspiring. So Pratyaksh came to me with the solution, and like my reaction was like, is there any something we can do about it so that the underprivileged people can get the equal opportunities in every aspect. शुरू से ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि हमारा प्रोडक्ट ड्यूरेबल होना चाहिए, ईज़ टू यूज़ होना चाहिए, एफोर्डेबल होना चाहिए. तो हमारे जो प्रोडक्ट हमने बनाया है इसमें यूज़र अपना मोबाइल इंस्टॉल करके इसे यूज़ कर सकता है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीम इज कि ये बहुत ही क्विक इंप्लीमेंटर्स हैं. व्हेन दे केम हियर विद अ पैशनेट आइडिया, दे टुक अराउंड अ वीक ओनली टू बिल्ड द प्रोटोटाइप. फिर वो ले गए टू देयर टारगेट ऑडियंस, दे हैड अ कन्वर्सेशन विद देम, दे आइटरेटेड अगेन एंड अगेन, एंड इट डजंट स्टॉप इवन हियर. Even they are planning कि कैसे इसमें और AI इंटीग्रेट कर सकें, कैसे यूज़ एक्सपीरियंस को और स्मूथ बना सकें, एंड द टीम इज जस्ट ब्रिलियंट अबाउट इट, एंड दे फील दैट कंपैशन पार्ट कि जिसके लिए हम बना रहे हैं उनसे रिलेट कर पाएँ, एंड आई लव दिस पार्ट अबाउट दिस टीम. आई एम रियली प्राउड ऑफ वॉट वी हैव अचीव्ड हियर, और अभी तो बहुत आगे जाना है. एज एन इनोवेटर इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी. दैट्स वाई ऑल थ्री केम हियर फॉर द जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन. आफ्टर ऑल वी आर टीम मस्केटियर्स.